Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hope you are doing well. आज की मेरी वीडियो है रिव्यू वीडियो. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डर्मावी का मॉइस्चराइजर. इसका मैं आपको रिव्यू दूंगी कि किस स्किन टाइप के लिए है, कौन कौन यूज कर सकता है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सब आपके साथ शेयर मैं करना चाहूंगी. उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आइकन को प्रेस कर दें. डर्मावी मॉइस्चराइजर की बात करती चलूं तो ये आपको मिलेगा इस तरह के पैकेजेस में मिलेगा. इसका बॉक्स मेरे पास नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ. ये मैंने आपके लिए लिया था ताकि मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूं. तो ये जो है सॉफ्टन स्मूथन एंड डिहाइड्रेशन है और सूटेबल फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन. दोनों चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों इसको लगा सकते हैं और इसमें ये है कि इसमें ईचिंग वगैरह नहीं होगी बिल्कुल. आप ये चेक कर सकते हैं और ये स्पेशली डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं ड्राई स्किन के लिए, जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, पैचेस वगैरह पड़ जाती हैं. जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है, पैचेस पड़ जाती है मेरी स्किन में विंटर्स में. आपके लिए ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर विंटर. इसमें ये आप चेक कर सकते हैं SPF 20 है और लाइट वेटेड है, इतना हैवी नहीं है कि मतलब जिस तरह बाकी आपने देखे होंगे मॉइस्चराइजर वगैरह उसमें ये है कि आपको हैवी हैवी फील होता है कि हमने लगा लिया और यूं चिप चिप से फील होती है, वो इसमें नहीं है. और इसकी 100 ml की आपको बॉटल मिलेगी. इसकी जो प्राइस की बात करें तो प्राइस ही आपको 1000 rupees में मिलेगा. किसी भी आप केमिस्ट वगैरह से इसे परचेज कर सकते हैं. आम आपको ये किसी शॉप लोकल शॉप्स में नहीं मिलेगा. अगर इसकी कंपनी की बात की जाए तो जेम फार्म इसको प्रोड्यूस करता है. ये पाकिस्तानी ब्रांड है. और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए जिसमें सेरामाइड होता है. सेरामाइड आपकी स्किन जो ड्राई स्किन है उसके ऊपर मतलब एक लेयर देता है, आपकी पोर्स वगैरह को बंद करता है, जो कि ड्राई स्किन के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हाइरोनाइड एसिड होता है, वो भी ड्राई स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि जिनकी ड्राई स्किन है वो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे. इसके इंग्रेडिएंट्स में लिक्विड लाइट लिक्विड है, काफ़ी लाइट वेटेड है, पैराफीम है, वाइट सॉफ्ट पैराफीम है और इसमें ग्लाइसरीन वगैरह ऐड है. आप ये इसके बॉटल पे चेक कर सकते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई है. इसको जो अप्लाई करने का तरीका बताया गया है वो है कि आप क्लीन फेस पे से अप्लाई करें. और इसमें जो इन कंपनी ने बताया गया जो आपको पीछे भी इधर मेंशन होगा कि इनको आईज के पास आपने बिल्कुल नहीं लगाना है. और क्लीन फेस में ये ऑयली स्किन ड्राई स्किन दोनों लगा सकते हैं. ये आपके फेस में आराम से मॉइस्चराइज हो जाएगा. इसमें ये चिपचिपाहट नहीं होगी, जैसे आप ऐसे ऐसे करते हैं चिपचिप होती है, वो चीज़ इसमें नहीं है. और इसमें ये है कि हर सीजन में इसे यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादातर मैं ये रेकमेंड करूँगी ड्राई स्किन के लिए, जिसकी एक्स्ट्रा पैचेस जिसकी फट जाती हैं स्किन विंटर्स में, उनके लिए ये डर्मावी बेस्ट है. मैं ओपन करके आपको इसको लगा के बताती हूँ किस तरह से. ये देखें, ये देखिए इतनी लिक्विड नहीं है, वाटरी इसकी है क्योंकि मॉइस्चराइजर है तो इसमें ऐसे ही होगा. ये आप चेक करें, ये इजीली आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है. ये चेक करें, ऑयली आपको नजर आ रही होगी. इसमें ये बताया कि SPF 20 है. 20 मतलब ऐसा इससे सनब्लॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो सन रेज है उसमें आप सिर्फ यही नहीं, मैक्सिमम जो आपको SPF 40 टू 60 यूज़ करना पड़ता है. तो इसी ब्रांड का आपको सनब्लॉक मिल जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू दे दूंगी. तरफ से ये आपको 100% रिकमेंडेड है. मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसकी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है लोशन. चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हैं, अडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो रिकमेंडेड है. नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.